तो हेलो दोस्तों, मैं कैसे हो आप लोग। मैं हूँ जितेंद्र, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चाहिए ट्विटर। तो गाइस, आपने जो है थंबनेल देख के पता लग गया है, तो किस इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात, आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना होगा। उसके बाद कैंसिल करने के यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, इसमें डिलीट जाके करके फिर यहाँ थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ इमेज साइड पे क्लिक करो, फिर कस्टम इमेज। तो आपको यहाँ से डिसाइड करना होगा आप किस चीज़ के मतलब बनाना चाहते हैं, या फेसबुक मतलब फेसबुक कवर आर्ट बनाना चाहते हैं, या यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर। तो हम लोग फेसबुक कवर बनाएंगे, तो हम फेसबुक सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से प्लस आइकन है राइट साइड के, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ प्लस आइकन को प्रेस करके यहाँ से सेव लेंगे। सेव लेने के बाद ये थोड़ा आपके हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे, मतलब आपको जैसे चाहिए इस तरह से एडजस्ट कर लो। फिर यहाँ नीचे आओ, नीचे के कलर है, यहाँ से कोई भी कलर आप चॉइस कर सकते हो। मैं यहाँ से येलो लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ राइट सिलेक्ट करता हूँ, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, यहाँ आके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसका कलर जो है उसे चेंज करके यहाँ मिडिल के ऑप्शन में आओ, फिर यहाँ से ऐसे स्वाइप करो, फिर यहाँ कलर ऑप्शन यहाँ आओ, फिर यहाँ से अनबेल करो। अनबेल करने के बाद यहाँ नीचे आओ, नीचे कलर है, फिर यहाँ से आप चॉइस करो कलर। फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट कर दो, रोटेट करके ये आपके आपको जैसा चाहिए ऐसे एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको अगर ऐसे रोटेट करने में परेशानी हो रही है, तो आप उस शेप को पकड़ के फिर नीचे आइए। नीचे आने के बाद यह स्वाइप करिए। स्वाइप करने के बाद यहाँ देखो रोटेट ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ, जैसे अच्छा लगे मैं ऐसे करता हूँ। फिर यहाँ ठीक से एडजस्ट कर लेता, अभी एडजस्ट हो जाए। ये साले एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो गया। ये होने के बाद आप यहाँ थ्री डॉट के नीचे जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करें, फिर ये दोनों को लॉक कर दें। लॉक करने के बाद ये वापस आ जाइए, फिर यहाँ से आप प्लस आइकन में जाइए, यहाँ से फ्रॉम गैलरी करिए। फ्रॉम गैलरी करने के बाद यहाँ से आप एक मतलब कवर चॉइस करिए, जैसे इस टाइप का हो गया, जो इमेज के ऊपर आप कवर ऐसे लगाएंगे। तो ये ऐसे सिलेक्ट कर ऐसे ऐसे कवर ले लीजिएगा। कवर लेने के बाद प्लस आइकन में जाइए फ्रॉम गैलरी, फिर आप यहाँ से अगर आप फेसबुक के लिए बना रहे तो अपना फोटो लीजिए। फिर यहाँ सर्किल का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करिए, यहाँ सर्किल का ऑप्शन क्लिक करें, फिर आई क्लिक करिए। यहाँ कोई बड़ा छोटा ऐसे करके मत करिए, बड़ा छोटा मत करो, ऐसे ऐसे करके जितना है ऐसे लेने दो। लेने के बाद फोटो को थोड़ा रिसाइज करना पड़ेगा, फिर यहाँ आओ साइज पे रिसाइज करो, 26 पे ले चलो इसे 26। फिर राइट क्लिक करो, फिर यहाँ जो रिलेटिव पोजिशन है इसमें आओ, इसमें थोड़ा मिडिल पॉइंट कर दो, फिर ऐसे करके इसे ऐसे रख दो। फिर ये थ्री डॉट के नीचे जो है इसे क्लिक करो, फिर आपने जो कवर किया है उसे क्लिक करो। तो यहाँ नीचे आओ, नीचे आने के बाद इसे फ्रंट है, फ्रंट करो, फिर थोड़ा जी एडजस्ट करके बड़ा कर दो। ये बड़ा कर दिया, फिर आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है, फिर फ्रॉम गैलरी करना है। यहाँ से आपको लेना है जो सोशल मीडिया का जो रहता है वो लेना पड़ेगा। इसमें आओ, तो यहाँ मिल गया मुझे। मैं इसे अगर किसी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे क्रॉप करता हूँ इसे, फिर क्रॉप हो जाए तो फिर राइट क्लिक करो, फिर यहाँ से यहाँ ले जाओ, फिर इसका साइज को थोड़ा छोटा कर लो। फिर इसे पोजीशन में जाके ठीक मिडिल कर दो इसमें, फिर हो गया। फिर यहाँ से इसका काम ख़त्म।
फिर यहाँ से थ्री डॉट के नीचे की ऑप्शन में आओ, यहाँ क्लिक करो, ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें क्लिक करो, फिर आपका जो फोटो है जो कवर फोटो लिया था मॉडल इमेज के ऊपर उसे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ का ये ऑप्शन क्लिक करो, यहाँ ओके प्रेस करो, यहाँ से बैग आ जाओ, फिर ये फोटो को थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लो, फिर इस फोटो को भी थोड़ा इस साइड ले आओ, फिर उसे इस ऑप्शन में क्लिक करो, फिर प्लस ऑप्शन में जाओ, टेक्स्ट पे लिखो जो आपका नाम है वो लिखो, फेसबुक के लिए बना रहे तो आपका जाहिर है आपका नाम ही लगेगा, फिर ओके प्रेस करो, फिर यहाँ से वहाँ एडजस्ट कर लो आपको जहाँ नाम रखना है, फिर फ्रंट में आओ, फिर इमेज मतलब फ्रंट सेलेक्ट करो, सेंड हो गया फ्रंट, फिर इसके लिए कलर चाहिए, कलर भी चाहिए, इसे बोल्ड कर दो, थोड़ा बोल्ड मत करो, मतलब आप चीज फ्रंट का अगर बोल्ड करने के बाद यहाँ यू के नीचे तो फिर यू प्रेस करो, इसमें से डार्क हो जाएगा नीचे, फिर आपके टाइप से उसे सिलेक्ट कर लो, मतलब एडजस्ट कर लो उसे, फिर नीचे लिख दो फेसबुक कवर करके, ये मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको जैसा पसंद आए वैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, ये थोड़ा 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 छोटा कर लेते, फिर यहाँ से फिर से जाओ फोन सिलेक्ट करो, फिर इस कलर सिलेक्ट करो, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लो, सही से हाँ या परफेक्ट, फिर यहाँ से फिर प्लस आइकन में जाइए, प्लस आइकन में आने की छान के बाद देखिए जीमेल इस पर जाने के बाद फिर यहाँ अपना ईमेल लिखिए जो भी है जीमेल मैं लेते रहा हूँ, फिर यहाँ से फिर जब फोन सेलेक्ट करो, वही काम है सेलेक्ट करो, फिर इसका कलर लगाओ इसके लिए, फिर आपको जैसा चाहिए उस टाइप से इसे मतलब साइज को छोटा कर दो, फिर इंस्टाग्राम का आईडी दे दो, इंस्टाग्राम अच्छा स्पेलिंग भी बोल लेता मैं, इंस्टाग्राम आईडी फिर से यहाँ जाओ, इसमें फोन सेलेक्ट करो जो भी फोन अच्छा लगे, फिर इसमें से कलर सेलेक्ट करो, फिर साइज में जाओ, फिर इसे थोड़ा छोटा कर लो जितना आपको मतलब चाहिए, मैं 24 में रखता हूँ इसे, थोड़ा इसे कम करके सही से एडजस्ट कर लेता हूँ इसे, ये हाँ चलो हो गया ये, फिर पास आइकन क्लिक करो, फिर आप चाहो तो इस तरह से व्हाट्सएप या फेसबुक का ये जो है लोगो इसे आप लगा सकते हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से इरेजर कलर पे जाओ, क्लिक करो जो हाँ ये कलर जो है वो बैकग्राउंड का जो ये व्हाइट था वो हट गया, तो ये पूरी तरीके से नहीं हटा है, तो इसको थोड़ा खराब कर लेते हैं, फिर यहाँ से फिर प्लस आइकन में क्लिक करो, फिर यहाँ पेंसिल का है इसे क्लिक करो, फिर इसको थोड़ा ऐसे करके व्हाइट पे सिलेक्ट करो, ऐसे व्हाइट सिलेक्ट होने के बाद प्लस आइकन फिर चला जाइए, फिर ओके कर दो या राइट कर दो, फिर यहाँ से थोड़ा छोटा कर लो इसका मतलब साइज को जितना आपको चाहिए, फिर राइट क्लिक करके यहाँ इस चीज़ से थोड़ा नीचे रख लो, सही से साइज खींच दो, फिर ले जाने के बाद अगर ले जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट पे चलो, इसमें नंबर लिख दो एक, फिर ये आपका नंबर भी लिख सकते हैं आप,
से नंबर तो दे दिया। फिर इसमें फ्रंट लागू होगा कि फ्रंट लागू तो नहीं होगा, सर अच्छा हो गया, चलो कोई नहीं। तो आप इसमें से ऐसे करके बना सकते हो। फिर ये इसका जो लिया इसको भी थोड़ा रंगीन करते हैं कलर देके। हाँ तो ये व्हाट्सएप का जो लोगो है इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर ऐसे करने के बाद आप अगर ऐसे अगर होता है तो किसी के फोन पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें आप थ्री डॉट के नीचे ऑप्शन में जाइए, इसमें लॉक कर दी, मतलब जो जो चीज़ आपका हो गया वो चीज़ को आप लॉक कर दी। फिर दोबारा क्लिक तो यह हट जाएगा। तो ऐसे करके बाद इसे अल्ट्रा में जाके सेव कर लो, अल्ट्रा में जाके सेव कर लो। सेव करने के बाद जो है इसे यहाँ से काट दो, फिर से ओपन करो। फिर से ओपन करने के बाद इसे डिलीट कर दो पहले। फिर यहाँ थ्री डॉट पे जाओ, सर्च में सर्च पे जाके यहाँ फेसबुक का सर्च ले लो। फिर यहाँ जो कलर है तो साइज होने के बाद यहाँ नीचे देखिए लास्ट वाले सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करो। फिर यहाँ से कलर ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। फिर कलर पे वाइट कर दो। वाइट करने के बाद फिर प्लस आइसक्रीम में जाकर ब्लैडी पे से मतलब क्लिक करो। फिर जो आपने बनाया उसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लेके आओ। ये कितनी साइज पे सिलेक्ट हुआ 74 में, तो ये आपका हिसाब से इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने 80 पे रख दिया। फिर इसे मिडिल का एलाइनमेंट मतलब मिडिल पे कर देते हैं। फिर राइट करके फिर यहाँ लास्ट मतलब बीच फिर इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ बीच वाले ऑप्शन में आके लास्ट में ले जाइए। फिर यहाँ शेडो है, शेडो में जाके अनबल कर दीजिए। फिर ये ब्लर का ऑप्शन ये आपके हिसाब से इसे एडजस्ट करें। फिर ये करने के बाद एक्सपोर्ट कर लीजिए अल्ट्रा में। अल्ट्रा करने के बाद आपका जो फेसबुक का कवर है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो गए, तो आप वहाँ जाके अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो